hello friends welcome to my channel in today's session i am going to explain you solution of exercise of chapter number seven conservation of plants and animals of science standard eight question number one is fill in the blanks first one is a place where animals are protected in their natural habitat is cold dash hum jahan pe एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेशन में प्रोटेक्ट करते हैं उस प्लेस को क्या बोला जाता है इट इज़ कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेक्स्ट वन इज स्पीसीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज़ नॉन एज डैश कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर ही पाए जाते हैं दोज काइंड ऑफ द स्पीसीज आर नॉन एज एंडेमिक स्पीसीज Giant squirrel is an example of the endemic species of pashmari biosphere region Next one is migratory birds fly too far away places because of dash changes Migratory birds used to migrate from one place to another why they used to do such kind of the process of migration just because of climatic changes because जब बहुत ठंड पड़ती है एंड इफ दे कैन नॉट सर्वाइव इन सच रीजन तो वो वार्म प्लेस के अंदर चले जाते हैं दिस इज द रीजन दैट इज क्लाइमेटिक चेंज नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग फर्स्ट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फियर रिजर्व आंसर इज wildlife sanctuary provides protection and suitable living conditions to wild animals. while biosphere reserve helps in the conservation of various life forms such as plants, animals and microorganisms, wildlife sanctuary jo hai, wo protection provide karta hai and suitable living condition provide karta hai wild animals. Ko. while biosphere reserve jo hai, wo plants, animals as well as microorganisms. we can say ईच एंड एवरी लिविंग बींग को कंजर्व करता है पचमारी सेंचुरी इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ पॉपुलर बायोस्फीयर रिजर्व हियर आर गिवन टू एग्जाम्पल्स वन इज ऑफ दाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनदर वन इज ऑफ द बायोस्फियर रिजर्व नेक्स्ट वन इज़ ज़ू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वी नीड टू गिव द डिफरेंस बिटवीन टू आंसर इज ज़ू इज अ फैसिलिटी इन विच एनिमल्स आर कैप्ट फॉर पब्लिक एग्जिबिशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया विद इन विच एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डेंजर्स सर्च एज हंटिंग देर हैबिटेट इज ऑल्सो रिजर्व इन दिस एरिया अब ज़ू जो है वो एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे एनिमल्स को एग्जिबिशन के लिए रखा जाता है बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पे उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है एंड हंटिंग पोचिंग ऐसे डेंजर से उनको बचाया भी जाता है सो वी कैन से कि उनको कंजर्व किया जाता है इट इज एन आर्टिफिशियल हैबिटेट वाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स जू जो है ना वो आर्टिफिशियल हैबिटेट है शायद अगर आपने कहीं पे जू विजिट किया है देन यू मे हैव ऑब्जर्व की फॉरेस्ट के अंदर उनको जैसा हैबिटेट चाहिए वैसा यहाँ पे आर्टिफिशियली जनरेट किया जाता है जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उनको ही कंजर्व किया जाता है इन दी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे कैन मूव फ्रीली बट इन द ज़ू दे आर हैविंग लिमिटेड स्पेस टू मूव नेक्स्ट वन इज़ एंडर्ड एंड एक्सटिंक स्पेसिस आंसर इज इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ़ बिकमिंग एक्सटिंक्ट वाइल एक्सटिंग स्पीसीज इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट नो लॉन्गर एक्जिस्ट एंडेंजर स्पीसीज हम किस को बोलेंगे कि ऑलमोस्ट ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो चुकी है जबकि एक्सटिंग स्पीसीज ऐसे हैं कि जो भी एक्जिस्टेंस में नहीं है वी हैव नॉट सीन दैम वी हैव जस्ट हर्ड अबाउट दैम Second is blue whale, tiger, leopard etc are examples of the endangered species, while dodo, passenger pigeon etc are examples of extinct species. अब हमें examples दिए हैं blue whale, tiger, leopard ये काफी इनकी population day by day कम हो रही है, हो सकता है कि after few years ये नहीं दिखेंगे, ये भी extinct हो जाएंगे। बट डोडो एंड पैसेंजर पीजेंस आर एग्जाम्पल की जो ऑलरेडी एक्सटिंग हो चुके हैं वी हैव हर्ड अबाउट दैम बट इनको हमने देखा नहीं है लाइक डायनासोर जिसके बारे में सुना है बट वी हैव नॉट सीन इट सो वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ द स्पीसीज आर एक्सटिंग, हियर आर टू एग्जाम्पल्स टाइगर कि जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो चुकी है सो वी कैन से इट इज़ एंडेंजर स्पीसीज वाइल पैसेंजर पीजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्सटिंग स्पेसिज हमने बहुत सारी स्टोरी के अंदर सुना भी है कि पीजन यूज टू पास द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट अभी रियालिटी में हमने ये सिचुएशन देखी नहीं है बिकॉज पैसेंजर पीजेंस आर नो मोर इन एग्जिस्टेंस नेक्स्ट वन इज फ्लोरा एंड फोना आंसर इज फ्लोरा रिफर्स टू ऑल लिविंग प्लांट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया वाइल फोना रिफर्स टू ऑल एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी लिविंग प्लांट्स जो होते हैं उनको हम फ्लोरा बोलते हैं जबकि एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स होते हैं उनको हम फोना बोलते हैं साल टिक मैंगो एट्सिट्रा फ्रॉम द फ्लोरा ऑफ पशमारी बायोस्फीर रिजर्व वाइल लिपर्ड वुल्फ वाइल्ड डॉग एट्सट्रा फॉर्म द फोना ऑफ पचमारी बायोस्फीयर रिज़र्व जैसे पचमारी बायोस्फीयर रीज़न जो है जो वो एक रिज़र्व है जहाँ पे साल टीक मैंगो पाए जाते हैं दीज आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द ट्रीज सो दे आर कंसिडर्ड एज फ्लोरा एंड लिपर्ड वल्फ डोग दीज आर एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द एनिमल्स जो पचमारी बायोसफियर रिज़र्व के अंदर पाए जाते हैं सो दे आर कंसिडर्ड एज फोना ऑफ दैट रीजियन Here are two examples. This one is the flora of the Pajmari Biosphere region, fawn tree, and Leopard is another example which is fauna of Pajmari Biosphere Reserve. Next question is discuss the effect of deforestation on the following. Hame deforestation ki jo effect hai wo one by one explain. Hai. First one is on wild animals. वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर डिफॉरेस्ट्रेशन के क्या इफेक्ट है वो बताना है आंसर इज़ ट्रीज़ आर द हैबिटेट्स एज वेल एज सोर्सेज ऑफ फूड फॉर द वाइल्ड एनिमल्स डिफॉरेस्ट्रेशन लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वी नो वेरी वेल कि वाइल्ड एनिमल्स जो है ना वो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं सो ट्रीज जो है वो उनका हैबिटेट भी है इवन काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके लिए वो सोर्स ऑफ फूड भी है तो so, अगर हम डिफोरेस्ट्रेशन करेंगे ट्रीज बहुत ज्यादा कट करेंगे देन जो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो है उनके तो वो पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा एंड दे कैन नॉट सर्वाइव इन सच कंडीशन नेक्स्ट वन इज ऑन द एनवायरमेंट डिफॉरेस्ट्रेशन इंक्रीज द टेंपरेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द एन्वायरमेंट विद द इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल and a decrease in the oxygen level it gives rise to global warming deforestation ki wajah se kya ho raha hai year by year jo temperature hai earth ka wo kafi increase ho raha hai even pollution level is also getting increased because we know very well trees jo hai वो photosynthesis की process के अंदर carbon dioxide gas जो है वो accept करते हैं and oxygen release करते हैं वाइल वी ह्यूमन बींग्स यूज टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड सो ये लेवल बैलेंस होता था बट हमने क्या किया ट्रीज़ को देखो कट कर दिया सो so, एटमोसफियर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्ट ऑन द विज़ और वी कैन से रूरल एरियाज़ आंसर इज

फ्लड और ड्रोट जैसे नेचुरल डिजास्टर के भी चांसेस हैं और रेनफॉल जो है वो भी काफ़ी कम होगा तो ये सारी चीज़ें विलेज की लाइफ के ऊपर काफ़ी अफेक्टेड होती है हेयर यू कैन सी डिफॉरेस्ट्रेशन जो है उसकी वजह से सोइल जो है वो काफ़ी अफेक्टेड है नेक्स्ट वन इज़ सिटीज़ और वी कैन से अर्बन एरियाज आंसर इज डिफॉरेस्ट्रेशन रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग

आंसर इज़ डीफॉरेस्ट्रेशन डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इट चेंजेस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ऑल दिस चेंजेस रिजल्ट इन डिजर्टिफिकेशन डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है बिकॉज अगर डिफोरेस्ट्रेशन की वजह से हमने बहुत सारे ट्रीज कट किए सो सोइल का इरोजन होता है एंड टॉप लेयर जो है वो वैनिश हो जाता है एंड दिस लीड्स टू द डेजर्टिफिकेशन इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन होता है नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट जनरेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके ऊपर ये डेजर्टिफिकेशन डिफॉरेस्ट्रेशन इन सब की इफ़ेक्ट क्या होगी आंसर इज डिफॉरेस्ट्रेशन विल मेजरली अफेक्ट द लाइफ ऑफ नेक्स्ट जनरेशन

क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो काफ़ी ख़राब होगी टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज़ होता है सो so टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा फ़ूड की कमी होगी बिकॉज सॉइल की फ़र्टिलिटी डे बाई डे रिड्यूज़ होती जाती है क्लीन एनवायरनमेंट नहीं होगा बिकॉज़ डिफोरेस्ट्रेशन की वजह से पॉल्यूशन काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है इवन डीफॉरेस्ट्रेशन की वजह से काफ़ी सारे एनिमल्स हैं वो इन फ्यूचर एक्सटिंग हो जाएंगे सो काफ़ी सारे एनिमल्स के स्पीशीज उनको देखने को ही नहीं मिलेंगे

हम ऐसे ही ट्रीज को कट करते रहेंगे देन वॉट विल बी द इफेक्ट आंसर इज इफ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज देन द टेम्परेचर विल इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट द चांसेज ऑफ नेचुरल डिजास्टर टू अकर विल इंक्रीज द वॉटर साइकिल विल गेट डिस्टर्ब अगर हम कंटिन्यूसली ट्रीज़ को कट करते रहे तो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा इवन फ्लड जैसे नेचुरल डिजास्टर्स के भी चांसेस है डेजर्टिफिकेशन होगा ड्रोट के भी चांसेस होते हैं एंड वाटर वोटरसाइकल जो है वो भी पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी नेक्स्ट वन इज द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब अगर एनिमल्स का जो हैबिटेट है वो ऐसे ही डिस्टर्ब होता रहा दैन ईफ़ दैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज़ डिस्टर्ब दैन द एनिमल्स विल लूज दैन नेचुरल हैबिटेट

तो मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स है वो एंडेंजर्ड हो जाएंगे वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के वर्ज पे आ जाएंगे इवन उनको उनके लिए फूड और लिविंग प्लेस ही नहीं रहेगी तो उनको वन प्लेस से अनदर प्लेस पे फूड के सर्च के लिए जाना पड़ेगा शेल्टर के लिए जाना पड़ेगा हियर यू कैन सी मैंने मैनेबराज आर देर दे कैन नॉट सर्वाइव इन सच कंडीशन तो वो अपने फूड के लिए एंड वाटर के लिए शेल्टर के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहेंगे एंड माइट बी पॉसिबल ये शॉर्टली ही एक्सटिंग हो जाए नेक्स्ट वन इज द टॉप लेयर ऑफ सोइल इज एक्सपोज सोईल का जो टॉप लेयर है वो कंटिन्यूअसली ऐसे ही एक्सपोज हो रहा है दैन वॉट विल बी द इफेक्ट आंसर इज इफ द टॉप लेयर ऑफ सोईल इज एक्सपोज दैन द एक्सपोज लेयर विल लूज ऑल इट न्यूट्रिय स्पेशली द ह्यूमस the water holding capacity of soil will decrease desertification will take place top layer jo hai soil ka wo agar expose hota hai to sare nutrients jo hai wo mostly top layer mein hote hai wo bhi exposed ho jayenge aur humus jo hai wo bhi kafi reduce ho jayegi soil ke andar se Even soil की water holding capacity जो है वो भी कम होती जाती है And desertification होगा So इट इज नॉट गुड फॉर एस नैक्स्ट वन इज हर यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ द डेजर्टिफिकेशन जिसकी वजह से सोइल का दॉपर लेयर जो है ना वो काफ़ी एक्सपोज हो चुका है फर्टिलिटी जो है वो काफ़ी रिड्यूज होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर इन ब्रीफ फर्स्ट वन इज वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए वाई वी शुड कंजर्व प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आंसर इज द वैराइटी इन लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट इज रेफर टू एज बायोडाइवर्सिटी वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी सो एज टू मेंटेन द फूड चेन द डिस्टर्बंस इन द फूड चेन में अफेक्ट द होल इकोसिस्टम अब जितने भी एनिमल्स प्लांट्स इंसेक्ट्स इवन ह्यूमन बींग्स हम सब एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं वी आर इन इंटर रिलेशनशिप एंड वी आर ऑल्सो हैविंग रिलेशनशिप विद दी एनवायरमेंट लाइक अगर पोल्यूटेड एयर है देन डिसीज बहुत सारे होंगे वाटर प्रॉपर नहीं हमारे पास है सफिशेंट क्वान्टिटी के अंदर देन ऑल्सो वी कैन नॉट सर्वाइव ईजिली इवन लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी कम होती है दैन ऑल्सो इट अफेक्ट्स आर लाइफ सो इन सब के साथ हम कहीं ना कहीं जो इंटर रिलेशनशिप से जुड़े हैं एनवायरनमेंट के साथ एंड एक दूसरे के साथ उसको बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है एंड अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं किया तो वो फूड चेन के ऊपर इफेक्ट करेगा एंड अगर फूड चेन के ऊपर इफेक्ट होती है तो होल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होती है लाइक like, अगर इसमें से एक भी इंसेक्ट या एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट होता है तो पूरी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है एंड पूरी इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है दैट्स वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वाई फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है ना वो भी वाइल्ड एनिमल्स के लिए कम्प्लीटली सेफ़ नहीं है वाई इट इज़ सो आंसर इज सिंस कैप्चरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स बाई पोचर्स इज स्टिल रैम्पेंट इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड एरियाज सो दे आर नॉट सेफ़ फॉर वाइल्ड एनिमल्स हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए एंड नेचुरल हैबिटेट जो है वो भी कंजर्व हो बट स्टिल जो भी पोचर्स है वो उनको मारते भी है पकड़ते भी है एनिमल्स को दैट्स वाई स्टिल दे आर नॉट सेफ इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज वेल इवन दे आर नॉट सेफ इन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल हाउ कुछ ट्राइबल्स ऐसे हैं जो जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है आंसर इज सम ट्राइब्स डिपेंड ऑन द जंगल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड मेडिसिन क्लोदिंग शेल्टर एट्सट्रा फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइब्स किसको बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं उनका कल्चर एंड एवरी जो है वो काफ़ी डिफरेंट है उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है जंगल के ऊपर डिपेंडेंट है फूड भी उनको मोस्टली वहीं से मिलता है एंड वो वहाँ से मेडिसिन जो है वो भी फाइंड आउट करते हैं सर्च आउट करके इवन उसको उसका सेलिंग भी करते हैं क्लोदिंग शेल्टर इन सब के लिए ये सारी बेसिक नीड्स जो है वो उनकी फॉरेस्ट से ही फुलफ़िल होती है दैट्स वाई वी कैन से दे आर डिपेंड ऑन दी जंगल नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफोरेस्ट्रेशन डीफॉरेस्ट्रेशन जो है उनके हमें कॉजेज किस वजह से होता है ये बताना है एंड कॉन्सिक्वेंसेज इट मीनस इफेक्ट्स क्या है वो बताना है आंसर इज द काजेज ऑफ डीफॉरस्ट्रेशन मे बी द फॉलोइंग नेचुरल काजेज लाइक फॉरेस्ट फायर ड्रोट्स एट्सट्रा बिल्डिंग फैक्ट्रीज एंड हाउसेज प्रोचिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल रीजंस क्या है डीफॉरस्ट्रेशन के तो रोड्स है या तो फॉरेस्ट में आग लगती है फ्रिक्शन की वजह से या तो इग्निशन टेम्परेचर से टेम्परेचर तो ज़्यादा हो तो सो दीज आर द नेचुरल कॉजि देन हमने क्या किया कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए फैक्ट्रीज बनाने के लिए ट्रीज़ जो है उसको कट किया जिसकी वजह से डिफॉरेस्ट्रेशन होता है इवन हमें कल्टिवेशन के लिए भी लैंड चाहिए that's why also we cut many trees and furniture banane ke liye as a fuel wood ko use karte hai. these are the reasons why we cut the trees which leads to the deforestation now what is the consequences let's see the consequences of the deforestation are natural climates like flood etc increases in the temperature of the earth चेंज इन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल अ डिक्रीज़ इन द ग्राउंड वाटर लेवल नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि फ्लड होने के चांसेस है डिफोरेस्ट्रेशन की वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है सोयल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी चेंज होती है एंड ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता है बिकॉज सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होती है सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द डिफोरेस्ट्रेशन विच आर नाट सो गुड ये फ्यूचर के लिए काफ़ी डेंजरस है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज रेड डेटा बुक आंसर इज रेड डेटा बुक इज अ सोर्स बुक विच किब्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स रेड डेटा बुक है वो एक ऐसी सोर्स बुक है जिसके अंदर जितने भी एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म माइग्रेशन माइग्रेशन क्या होता है दैट वी नीड टू एक्सप्लेन माइग्रेशन मीन्स द मोमेंट ऑफ अ स्पसिज फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर प्लेस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन अ ईयर फॉर ब्रीडिंग और टू ओवरकम सम क्लाइमेटिक कंडीशंस माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी बर्ड्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो सूटेबल नहीं होती है या तो ब्रीडिंग के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं लाइक पोला रीजन के अंदर विंटर सीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है दे कैन नॉट सर्वाइव ओवर देर दैट्स वाई दे यूज टू विजिट अ वम प्लेस जैसे कि नल सरोवर जो है गुजरात के अंदर यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन के जो बर्ड्स हैं वो विंटर सीजन के अंदर आते हैं दिस काइंड ऑफ द बर्ड्स आर नॉन एज माइग्रेटरी बर्ड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज एंड फॉर शेल्टर ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूअली कट इज इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट्स डिस्कस एंड प्रिपेयर अ ब्रीफ रिपोर्ट हम कंटीन्यूसली ट्रीज़ को ना कट कर रहे हैं बिकॉज वी नीड लैंड टू मेक फैक्ट्रीज एंड टू हैव शेल्टर तो ये क्या ट्रीज़ को ऐसे कंटिन्यूली कट करना जस्टिफाइड है ये सही है ये आपको आंसर देना है आंसर इज ट्रीज़ आर द हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स they give us oxygen and maintain the o2 co2 that is oxygen and carbon dioxide balance as well they firmly bind the soil and hence prevent soil erosion they also reduce the chances of natural disasters like floods and droughts they help con conserve our rich biodiversity moreover it causes soil erosion floods the greenhouses effects etc एंड ट्रीज मस्ट बी प्रोटेक्टेड वी नो वेरी वेल कि काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंसेक्ट्स है एनिमल्स हैं इवन ट्राइबल्स जो है वो भी ट्राइब ट्राइबल्स भी फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं सो वी कैन से ट्रीज़ जो है ना वो उन सबके हैबिटेट्स है देन ट्रीज हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो मैंटेन होता है एनवायरनमेंट के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीज़ इवन ट्रीज़ जो है वो सॉइल को भी फॉर्मली बाइंड करके रखते हैं जिससे सोइल इरोजन नहीं होगा नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड ड्रोड्स उनके चांसेस भी कम होते हैं ट्रीज की वजह से इवन हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है प्लांट्स एनिमल्स इंसेक्ट्स ये सबको कंजर्व करते हैं तो अगर हम ऐसे ही ट्रीज़ को कट करेंगे तो क्या होगा कि सॉइल इरोजन होगा फ्लड होगा टेम्परेचर अर्थ का डे बाई डे इंक्रीज़ होगा जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगी दैट्स वाई हमें ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए वी शुड नॉट कट इट नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेवन हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकालिटी मेक अ लिस्ट ऑफ़ एक्शंस टू बी टेकन बाई यू आपके एरिया के अंदर ग्रीन वेल्थ मतलब आप ग्रीनरी कैसे मेंटेन करोगे एनवायरमेंट को कैसे मेंटेन करोगे आपको कुछ एक्शंस के लिस्ट बनाने हैं जो आप ले सकते हो टू हैव द ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकालिटी आंसर इज बाई टेकिंग अप द फॉलोइंग एक्शंस आई कैन कंट्रीब्यूट टू देंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ माई लोकालिटी बाय वाटरिंग द प्लांट्स रेगुलरली एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ दैम अपने आसपास के जो ग्रीन वेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जैसे प्लांट्स जो हैं उनको हम वाटर प्रोवाइड करें रेगुलरली उनकी केयर करें उनको अगर कोई फर्टिलाइजर्स चाहिए देन वी शुड प्रोवाइड इट नेक्स्ट इज मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ अ क्लीन एंड ग्रीन एन्वायरमेंट हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि क्लीन एंड ग्रीन एनवायरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है इम्पोर्टेंस क्या है नेक्स्ट इज नॉट थ्रोइंग द गारबेज ऑन द स्ट्रीट्स हम स्ट्रीट्स पे कोई भी गार्बेज थ्रो नहीं करेंगे कचरा नहीं फेंकेंगे दैन ऑल्सो वी कैन मेनटेन अवर ग्रीन वेल्थ फॉर बीटिंग अदर्स टू कट ट्रीज अगर कोई ट्रीज को कट कर रहा है तो हम उनको रोकेंगे एंड फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन सेवन मोर पॉइंट वी शुड प्लांट ट्रीज हम हमें नए ट्रीज जो है वो उसका प्लांटेशन करना चाहिए जिससे नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो अच्छे से मेनटेन हो क्वेश्चन नंबर एट इज एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूज रेनफॉल डिफॉरेस्ट्रेशन से रेनफॉल क्यों कम होता है दैट वी नीड टू एक्सप्लेन आंसर इज ट्रीज़ गिव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर अफेक्ट्स क्लाउड फॉर्मेशन एंड दस रिजल्ट इन लेस रेनफॉल ट्रीज जो हैं वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में वाटर वेपर के फॉर्म में बहुत सारा जो पानी है वो एटमोसफियर में बाहर रिलीज करता है अब हमने क्या किया ट्रीज़ को कट किया डिफोरेस्टेशन किया सो so, क्या होगा कि वाटर वेपर का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो रिड्यूस हुआ और इसकी इफेक्ट जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर होती है जिससे रेनफॉल जो है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है दैट आई कैन एक्सप्लेन यू विद दिस पिक्चर अगर ट्रीज है तो ट्रांसपेरेशन की प्रोसेस से वाटर ड्रॉपलेट्स जाएंगे जिसकी वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन होगा एंड रेनफॉल होगा बट अगर हम ट्रीज़ कट कर देंगे तो जो भी एयर uh, ब्लो होती है वो हॉट होती है एज वेल एज ड्राई होती है एंड ड्राई होती है तो क्लाउड का फॉर्मेशन कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा सो इट अफेक्ट्स द रेनफॉल नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क्स इन योर स्टेट आइडेंटिफाई एंड शो देर लोकेशन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया नेशनल पार्क एंड प्लेसेस हमें गुजरात के अंदर कितने नेशनल पार्क है वो बताने हैं एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑन द मैप ऑफ गुजरात कीर फॉरेस्ट नैशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन सासन देन ब्लैक बर्ग नेशनल पार्क विच इज़ इन वेलावदर एंड मेराइन नेशनल पार्क विच इज़ नियर जामनगर इन गुल्फ ऑफ कच एंड लास्ट वन इज़ वासदा नेशनल पार्क विच इज़ लोकेटेड इन सापूतारा यहाँ पे आपको सारे नेशनल पार्क्स बताए हैं ये जो है वो जामनगर का नेशनल पार्क है विच इज़ मेराइन नेशनल पार्क दिस वन इज द गिर नेशनल पार्क द नेक्स्ट वन इज़ द वेलावदर ब्लैकबक नेशनल पार्क एंड एट दिस इट इज़ वासदा नेशनल पार्क सो so, ये फोर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात के अंदर लोकेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड पेपर बी सेव्ड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ़ वेज बाई विच यू कैन सेव पेपर हमें पेपर्स को क्यों सेव करना चाहिए एंड हमें कुछ लिस्ट आउट बताना है कि हम पेपर्स को कैसे सेव कर सकते हैं आंसर इज लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव बाय सेविंग पेपर दिस विल ऑल्सो सेव वाटर दैट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेपर मोर ओवर द हार्मुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग शो देअर लिस्ट इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन बींगस एंड अदर ऑर्गेनिजम्स अब लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो चाहिए पेपर्स बनाने के लिए अगर हम पेपर्स को सेव करते हैं तो अल्टीमेटली हम ट्रीज को कट करते हैं दैन जो पानी चाहिए फिर पेपर्स बनाने के लिए वो भी सेव होगा जो केमिकल्स चाहिए वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे बिकॉज दोज केमिकल्स आर हार्मफुल जो हमारे ऊपर एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफ़ेक्ट करता है अब कुछ वेज बताए हैं हाउ वी कैन सेव पेपर्स फर्स्ट वन इज़ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर नेक्स्ट इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ पेपर एंड नेक्स्ट पेपर शुड नॉट बी बर्न पेपर को हम बर्न नहीं करेंगे रीयूज़ करेंगे एंड इकोनॉमिकल यूज़ इट मीन्स हम उसको रीयूज कर सकते हैं या तो जहाँ पे चाहिए वहाँ पे उस टाइप की क्वालिटी के पेपर्स को यूज़ करो दिस इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हम पेपर जो है उसको यूज़ करेंगे जैसे यहाँ पे पेपर जो है वो मेकिंग यहाँ पे होता है बनता है देन सेलिंग होता है वी आर कंज्यूमिंग इट देन जब ये पेपर यूज़ हो जाए फिर उसको कलेक्ट करो देन पेपर मिल तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे वापस उसको मिक्स करके उसका पल्पिंग किया जाता है देन क्लीनिंग एंड रिफाइनिंग होता है बाई डूइंग सच प्रोसेस वी कैन सेव ट्रीज एंड पेपर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट वर्ड पजल वन पजल इज गिवन विल डिस्कस डाउन वीच आर गिवन हियर फर्स्ट सेकेंड एंड फिफ्थ फर्स्ट इज़ स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ़ एक्सटिंक्शन जो स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इट मीन्स ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के एज पे है दो आर नॉन एज एंडेंजर्ड सो फर्स्ट आंसर इज एंडेंजर्ड सेकेंड वन इज अ बुक केरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज जिस बुक के अंदर एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है

They are known as extinct. So, answer of the first approach is extinct. Third one is species found only in a particular habitat. Kuch species are particular habitat, particular area ke hi jaate hai. Those are known as endemic. Answer is endemic. Next one is variety of plants, animals, and microorganisms found in an area. अब किसी एरिया में जो हमें प्लांट्स एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो वेराइटी मिलती है वो इट इज कॉल्ड इट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी सो आंसर इज बायोडाइवर्सिटी विच विल कम हियर वी हैव कम्प्लीटेड डिस्कशन ऑफ एंटायर एक्सरसाइज थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट and share it with your friends if you have not subscribed my channel yet please subscribe it by pressing the bell icon on the right hand side thank you